प्रधानमंत्री मोदी ने मंगलवार को गुजरात से देश को बड़ी सौगात देते हुए 85,000 करोड़ के विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास किया। प्रधानमंत्री ने इस दौरान 10 नई वंदे भारत ट्रेनों को हरी झंडी भी दिखाई और इस दौरान पीएम मोदी ने अपने संबोधन में कहा कि विकसित भारत के लिए हो रहे नवनिर्माण का लगातार विस्तार हो रहा है। देश के कोने कोने में परियोजनाओं का लोकार्पण हो रहा है, नई योजनाएं शुरू हो रही हैं। उन्होंने आगे कहा कि आज देश को मैं गारंटी दे रहा हूं कि अगले 5 साल में आप भारतीय रेल का ऐसा कायाकल्प होते देखेंगे जिसकी आपने कल्पना भी नहीं की होगी। आज का ये दिन इसी इच्छा शक्ति का जीता जागता सबूत है। पीएम मोदी ने आगे कहा कि अगर मैं साल 2024 की ही बात करूं तो इन करीब 75 दिन में 11 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास हो चुका है। अकेले पिछले 10-12 दिनों में ही 7 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास हुआ है। आज भी विकसित भारत की दिशा में देश ने एक बहुत बड़ा कदम उठाया है। इस कार्यक्रम में आज यहां 1 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास हुआ है। इसमें से 85,000 करोड़ रुपए अधिक के रेलवे प्रोजेक्ट्स आज देश को मिले हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसमें आगे कहा कि भारत एक युवा देश है, यहां बहुत बड़ी संख्या में युवा रहते हैं। मैं खासतौर से मेरे युवा साथियों से कहना चाहता हूं कि आज जो लोकार्पण हुआ है वो आपके वर्तमान के लिए है और आज जो शिलान्यास हुआ है वो आपके उज्जवल भविष्य की गारंटी लेकर आया हुआ है। इसी के साथ पीएम मोदी ने अपने भाषण में आगे कहते हुए कहा, 2014 से पहले देश में नॉर्थ ईस्ट के 6 राज्य ऐसे थे जहां की राजधानी हमारे देश के रेलवे से नहीं जुड़ी थी। 2014 में देश के 10,000 से ज्यादा मानव रहित रेलवे फाटक थे, वहां लगातार एक्सीडेंट होते थे। 2014 में सिर्फ 35% रेल लाइनों का विद्युतीकरण हुआ था। रेल लाइनों का दोहरीकरण पहले की सरकारों की प्राथमिकता में ही नहीं था। गुजरात के गवर्नर आचार्य श्री देवव्रत जी, गुजरात के लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्रीमान भूपेंद्र भाई पटेल, कैबिनेट में मेरे साथी रेल मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव जी, संसद में मेरे सहयोगी और गुजरात प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष श्रीमान सी आर पाटिल और देश के कोने कोने से जुड़े सभी गवर्नर श्री, आदरणीय मुख्यमंत्री गण, सांसद गण, विधायक गण, मंत्री गण, और मैं स्क्रीन पर देख रहा हूं मेरे सामने 700 से ज्यादा स्थान पर वहां के सांसद के नेतृत्व में, वहां के मंत्री के नेतृत्व में लाखों लोग आज इस कार्यक्रम में जुड़े हैं। शायद रेलवे के इतिहास में एक साथ हिंदुस्तान के हर कोने में इतना बड़ा कार्यक्रम कभी नहीं हुआ होगा। सौ साल में पहली बार हुआ ये कार्यक्रम होगा। मैं रेलवे को भी इस भव्य आयोजन के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं।